और प्यारी जी से प्रार्थना करते रहो। महाराज जी, अक्सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उस समय आंखें बंद कर फिर ये चिंतन होता है कि मैं वृंदावन परिक्रमा कर रहा हूँ। हाँ, महाराज जी, ये जो मेरा अनुभव है, इसका क्या तात्पर्य है? क्या ये भजन का ही स्वरूप है? हाँ, एक कृपा है, ऐसा करने से समस्त पापों का शमन करने के लिए इसको उपाय बताया गया कि वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर बार कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। वृंदावन में गया, संत दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, राधा वल्लभ। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर बार तो कोटि जन्म के अगतमय काट, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो बहुत सुंदर है, आप ऐसा ही कीजिए। महाराज जी, मैं जप और वो सब जब करता हूँ तो घर वाले कहते हैं कि ये सब बंद करो, ये कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मेरा विश्वास डगमगाया हुआ है। तो घर वालों की बात मानते तो यहाँ क्यों आते? इसीलिए मैं आया। तो मेरी बात मान लीजिए, अगर मेरी बात मान लीजिए तो फिर घर वालों की बात नहीं मानोगे। अगर घर वालों की बात माने तो आना तुम्हारा बेकार हो गया, क्योंकि जब हमारी बात नहीं मानी तो हमारे सामने बैठना और प्रश्न करना निरर्थक होगा ना। तो बात मान लीजिए, लोक परलोक सब बन जाएंगे। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य हैं, वो कसम दिला कहते तो मेरी सौ भैया कृष्ण गुण संचु इह परलोक सकल सुख पावत, तुम्हें इस लोक में परलोक में सारे, ये कसम दिलाने क्या जरूरत थी? विश्वास, मैं तुम्हें अपनी शपथ दे के कहता हूं, तुम केवल कृष्ण का भजन करके देखो, इस लोक और परलोक में सुखी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर वालों की ये बात ना माने कि प्रभु का आश्रय छोड़ दो तो फिर रह क्या जाएगा तुम्हारे पास? वो घर वाले थोड़ी है, घर वाले तो प्रभु हैं अपने, जन्म जन्म के हम उन्हीं के अंश हैं। भूल करके नए नए घर वाले बनाते जा रहे हैं, वो छूटते जा रहे हैं, पुराने पीछे जन्म के घर वाले कहाँ हमारी समझ में आ रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना, अगर ये आपको समझना है प्रारब्ध बदलना, तो आपके सामने हम प्रमाण बैठे हैं, हमारा प्रारब्ध इतना बुरा कि हमारी दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे, डायलिसिस हो रहा है। जीवन भर मांग के खाया है, प्रभु के भरोसे रहे, हमें पता ही नहीं कि हमारी किडनी खराब, तो 35 वर्ष की अवस्था के बाद ये थोड़ी किडनी खराब तो बाबा जी बन गए नहीं ऐसे। जब हम 20-22 के थे ना, गंगा में स्नान कर, कोई ऐसा नहीं था जो एक बार दृष्टि डाल के दोबारा दृष्टि न डाले। अष्टपुष्ट स्वस्थ शरीर, वो गर्भ से ही उसकी किडनी की ऐसी रचना, अगर हमारे ऊपर उनकी नजर ना होती तो आज हम पड़े सड़ रहे होते, जिसे कह शब्द कहा जाता सड़ना। कितना महंगा इसका इलाज है, किडनी समझते? हाँ, पर जहां मांग के खाते थे, आज अवसर आया है तो प्रभु विविध रूपों में आकर के हमें दुलार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। देखो कितने भी प्यारे पुत्र हों, पर पिता की जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो सब धोखा देने लगते हैं। घंटा दो घंटा की बात अलग, 24 घंटे उनकी परिचर्या में सेवा में रहना, एक पुत्र नहीं हजारों नौजवान ऐसे हैं जो प्राण देने के लिए तैयार है, किडनी देने की बात क्या, ये किसके, उन्हीं के संबंध से। अगर उनके भजन में कुछ है नहीं तो फिर हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार हो गए, नहीं हो गए? ये ऐसा मत सोचो कि भगवान का भजन व्यर्थ जाएगा, एक नाम एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जब हिसाब होगा तो नाच पड़ोगे। विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहिन राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास से ही बात बनेगी, क्योंकि ये चीज ऐसी तो है नहीं कि लो खाओ, विश्वास कर लो फिर आगे आप जान जाओगे। इतना तो पता है भगवान है, इतनी तो आस्तिकता है, और जब भगवान है वो आप पुकार रहे हो तो आपको सुनाई देता, उनको सुनाई नहीं देता क्या? आपका क्या नाम है? धन। ये बुलाएंगे तो आप हेरोगे उधर के नहीं जी, है आप राम बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, राधा बोलोगे, तो उनके कान तो सर्व जगह है, तुम्हारे कान तो एक सीमा तक की आवाज सुन सकते हैं। वो तो ऐसे कान वाले हैं कि आप विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी बोलो, मन से बोलो तो सुन लेंगे। तो ऐसा विश्वास तो अपने को तो नहीं होना चाहिए किसी की बात, इसमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए, वो हमें गलत सलाह दे रहे हैं, भले हमारे पूज्य जन हैं पर वो गलत सलाह दे रहे हैं। सही सलाह में चलो तो ठीक रहेगा। और धन मिलना कोई कृपा नहीं है,
प्रभु ही मिल जाते हैं जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में रचा है। पर बस ये बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक हमारी बहिर्मुखता है, संसार का महत्व है, थोड़ा प्रभु की तरफ हम मुख करें फिर बात समझ में आ जाएगी। आप सच्ची मानिए निहाल हो जाता है जीव, पर बस मानने से इसमें अच्छा। आप चार दिन नाम जप करो, सोचो चेक आ जाए तो फिर थोड़ा इसमें, अगर किसान गेहूं बो के ना और रोज बोरा लेके आ जाए कि अभी उदास ही नहीं आई तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। अगर रोज उखाड़ के देखे गेहूं कि अभी उगा कि नहीं तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। वो भी चार महीने सींचता है, उसको पालता है, तब जाके फसल होती है। हमारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है, नाम पहले उनको नष्ट करता है, फिर जो आनंद की बाढ़ आती है पूछो मत। इसलिए अब हम तो यही आपसे कहेंगे कि हो सके तो हमारी बात मान लेना, फिर कभी तुम्हें समझ में आएगा कि हम बात मानी तो कैसा हमें मिला। एक ही ऐसा मित्र है जो तुम्हें बचा सकता है, बस कोई दूसरा मित्र नहीं संसार में। अभी ठीक है, उछल कूद लो, एक समय ऐसा आता है जब केवल उसी की तरफ देखने का होता है कि कोई नहीं रहा मेरा, केवल तू ही है। क्योंकि तो हम पहले से तुम्हारे को हाथ फैलाए खड़े थे, तुम तो उधर भाग रहे थे, आओ हम अब आज भी स्वागत कर रहे हैं। कोई भी अंतिम निर्णय सबका ऐसे ही होता है। डॉक्टर से तुम हाथ जोड़ते हैं, सारी संपत्ति ले लो, इनको बचा लो, वो क्या कहेगा, प्रयास मेरा। वो ऐसे कुछ करता है, सफलता उसकी, ईश्वर चाहेगा तो, प्रयास तो मेरा है, आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो क्या बनाना चाहता है आपको, क्या करना चाहता है मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी, आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे, और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का भक्त है। तो अब समझ लीजिए आप।